हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? और आज जैसे कि गुरु पूर्णिमा है तो मेरे घर में कड़ा प्रसाद बनता है जो गुरुजी के भोग के लिए बनता है। तो ये मैं कड़ा प्रसाद का हलवा की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। इसमें हम जितनी भी चीज़ें लेते हैं इक्वल मात्रा में डालते हैं, यानी जितना रवा उतना शक्कर और उतना ही घी। यानी सपोज़ करिए आप आधा किलो रवा का बना रहे हो तो आधा किलो घी और आधा किलो शक्कर, उसी मात्रा में इसे बनाया जाता है। तो ये रवा मैंने फ्राई कर रही हूँ, ये देखिए ये घी है और ये शक्कर है जो अलग अलग मंगा के रखी ताकि हमें एकदम क्वांटिटी का पता रहे। तो उसके बाद ये रवा आप जितना ब्राउन करना चाहते हो उतने अच्छे से फ्राई कर लो बहुत अच्छे से। और ये देखिए इसको मैंने हाई फ्लेम में बना रही हूँ ताकि ये जल्दी से अच्छे से भुन जाए। जितना आप ब्राउन करना चाहते हो उतना ये भुन जाएगा। एक्चुअली मैंने ये मेरी मम्मी बना रही हैं, तो ये देखिए ये ब्राउन हो गया। आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी ब्राउन कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ज़्यादा ब्राउन बनता है बट आप जैसा बनाना चाहो। तो अब चलिए इसको देखिए कैसे बनता है। तो ये देखिए ये ऐसा कुछ ब्राउन हो गया और ये कितना अच्छा लग रहा है। बहुत टेस्टी हलवा बनता है। इस दिन का हलवा एकदम टेस्ट अलग होता है और बहुत बहुत टेस्ट होता है इसका। और फिर इसको पूरा भोग लगाया जाता है और उसके बाद सब में इसको प्रसाद की तरीके हमारे घर में सब जगह मतलब बांटा जाता है। तो ये है हलवा की रेसिपी। उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्ज़ी अगर आप डालना चाहो तो डाल दो, जैसा आपका हो। बाकी चीज़ें ज़रूरी होती हैं तो वो पड़ जाती हैं, बाकी ड्राई फ्रूट आपके ऊपर है। तो ये कड़ा प्रसाद का हलवा बनके तैयार हो गया है और अब इसका भोग लगेगा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अगर इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे।